मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंस्टेंट रबड़ी बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हमको सामग्री चाहिए 1/2 लीटर दूध, 2 ब्रेड, चीनी, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर और इलायची का पाउडर। मैंने 2 ब्रेड को मिक्सी में फाइन पाउडर बना लिया है। साइड का स्क्रिप्ट नहीं किया है, आप चाहे तो साइड का स्क्रिप्ट कर सकते हो। मैंने अमूल पाउडर में 1 चम्मच चीनी मिला लिया है। इससे क्या होता है, हम जब अमूल का पाउडर रबड़ी में ऐड करेंगे तब वो उसमें लम्स नहीं आएगा। मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख लिया है। हमारा दूध अब बॉयल हो चुका है। मैंने फुल क्रीम दूध लिया था। अब हम इसमें ब्रेड ऐड कर लेंगे। ये बहुत जल्दी ही बनके तैयार हो जाता है। आप देखोगे हम जैसे ही इसको ब्रेड डाल के बनाना स्टार्ट करेंगे ये वैसे ही थिक होने लग जाएगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पतीला मोटा होना चाहिए जिससे कि उसके तले का दूध नहीं लगेगा। अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेंगे और अभी हम लोग ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लेंगे। अब हमारा जो मिल्क पाउडर है उसको चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जब हम एक साथ में ऐड कर लेंगे तो वो उसमें लम्स आने लग जाएंगे, नहीं तो आप गर्म पानी में भी उसे मिक्स करके फिर ऐड कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है जब दूध में एक उबाल आ जाए तब गैस का फ्लेम को लो से मीडियम कर लेना है। अब हम इसमें इलायची का पाउडर ऐड कर लेते हैं। इलायची के पाउडर से हमारा रबड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हो। घी ऐड करने से थोड़ा सा इसमें चमक भी आ जाता है। अब हम इसमें हल्का सा उबाल आने देंगे फिर हम इसको बंद कर लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हम जब बॉईल करेंगे तो फिर ये बहुत थिक हो जाएगा और ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो एक ही उबाल के बाद हमको बंद कर देना है। ये हमारा 4 से 5 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। आपको जब भी दिल करे तब भी बनाओ घर में और खाओ। ये रेस्टोरेंट आप देख सकते हो हमारा अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद फिर और भी थिक हो जाएगा। फिर ठंडा ठंडा इसको आप सर्व करो। हमारा इंस्टेंट रबड़ी बनके तैयार हो चुका है। आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाने के लिए मत भूलना। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।